Yes. Shall we begin the session? Yes, please, please, sure. Okay. तो फ्रेंड्स आज हमारी तैयारी ये एग्जाम का है. आप सब क्लास सुनने के लिए आए मगर आपको हम सबको अभी बहुत ही बड़ा सडन स्लिप टेस्ट होते हैं ना. हमको क्लास में जाते ही आज स्लिप टेस्ट बोलकर टीचर बताती हैं. आज हमारा वो हम फेस करने वाले फ्रेंड्स. तैयार है हर कोई? यस We are super ready. Perfect, perfect. तो फ्रेंड्स आज की अपनी टॉपिक है the spiritual mastery. Okay? तो spiritual mastery यानी क्या है? Usually हम कोई भी PG कोर्स करते हैं, कुछ भी कोर्स करते हैं तो वो हम कंप्लीट करते हैं, वो सर्टिफिकेट हमको मिल जाते हैं तो आगे से हमको जॉब करना है जो भी है होती है. तो ये स्पिरिचुअल मास्टरी की कोर्स जो है वो कभी खत्म ना होने वाली है. ओके okay? हम तो लेते ही रहते हैं, फिर उसको देते रहते हैं, निभाते रहते हैं. तो मतलब ये कभी भी खत्म ना होने वाला सिलसिला है अपनी स्पिरिचुअल मास्टरी का, ये जो सर्टिफिकेट हम लेने जा रहे हैं. तो हर पल उसके लिए निभाना होगा. कितने लोग रेडी है? फिर एग्जाम तो एक बार हो गए तो हो गए, अभी दिन दिन पल पल बोले तो हाँ है ना. स्पिरिचुअल पार्ट इट इज वॉकिंग ऑन द फायर. हम अभी तक क्या इंफॉर्मेशन, बस हमारी अभी कोरोना तो हो गई थी तो कोरोना की वजह से समय मिल गया तो हमने समय लेकर के कुछ समय यहाँ पर बिता दिया. तो ये अदर टाइम पास नहीं है फ्रेंड्स हमारी स्पिरिचुअल का जो भी हम मार्ग में है. यही एक्चुअली प्रायोरिटी टाइम, प्रशस्त समय हम इसको ही देना है. इत्तेफाक से ये हो गए. यस डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स. तो अभी जा करके हम इसको जाना, तो ये लास्ट में आई मगर अभी अपना लिस्ट में इसको फर्स्ट कर देना है फ्रेंड्स. क्योंकि इस जीवन के भागदौड़ में दुख से दर्द से इसको कैसे टेक करने के लिए उधर भागो, उसको कैसे टेक करने के लिए उधर भागो, इधर से उधर उधर भाग के हम पूरा आउटर हो गए हैं. अभी यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरा, ये मास्टर वो मास्टर का ये मास्टर का हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मगर एप्लीकेशन नहीं हो रही है. तो हम जहाँ के वैसे ही हैं. तो अभी समय आ गया फ्रेंड्स, लेट्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी और हम सब उस मास्टरी को पाए. कोरोना आए या ना आए, अपने जीवन में जो भी हो, हम ये मास्टरी को, हम ये क्लास जो भी हमारी सर्टिफिकेट है इसको हम कंप्लीट करके ही रहेंगे. पहले हमको ये वादा करना होगा फ्रेंड्स. ओके okay? तो स्पिरिचुअल, व्हाट इज स्पिरिचुअल मास्टरी? मतलब स्पिरिट याने हमें जो चला रहे हैं हमारे भीतर चेतन. हम ये फिजिकल बॉडी सोच रहे हैं, वो मन सोच रहे हैं, ये कंप्लीट लॉजिकल माइंड से हम चलते हैं मगर हम अच्छी तरह से जानते हैं जो इस दोनों को चला रहे हैं विच इज समथिंग बियॉन्ड. मगर सब कुछ हमको लॉजिकल चाहिए, साइंटिफिक चाहिए, प्रूफ चाहिए, इसी को लेकर पकड़ के रहते हैं, होल्ड करने की कोशिश करते हैं. बट एक्चुअली क्या है, लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं हो सकता. तो हे भगवान, वी नो वेरी वेल दैट समथिंग बियॉन्ड इज टेकिंग केयर बट वी आर होल्डिंग फॉर दिस. अगर पहले ही हम उस जो हमको चला रहे, अगर पहले हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा फ्रेंड्स. ओके एंड यानी हमको चलाने वाली जो है वो है स्पिरिट, यानी कॉन्शियसनेस, चैतन्य जो हम कहते हैं, हम सब के भीतर है. अगर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए तो वो भीतर है, इम्पोर्टेंस देना रहे तो बाहर आए. बाहर आए मतलब प्रकाश यानी ज्ञान यानी आनंद. इतनी सी है फ्रेंड्स स्पिरिचुअल मास्टरी का मीनिंग. यही है फ्रेंड्स की चाहे जो कुछ भी परिस्थिति हो अपने जीवन में, जो भी परिस्थिति हो रही हो, हम हमेशा हमारी आनंद वैसा ही रहे. You are always stable and peaceful. हमारी inner peace, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो. अपने ही घर में सब कुछ होती है, किसी का मौत हो गए, अपनी शादी का कुछ हो गए, कुछ भी हो गए तो होते ही रहता है. अपनी इनर पीस का डिस्टर्बेंस नहीं होगा. कुछ भी लॉस हो गए, कुछ भी गड़बड़ हो गई, अपनी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आ गए, बट यू आर ऑलवेज स्टेबल विद योर इनर पीस, कम्प्लीट इनर कनेक्शन के साथ शांत हो. बाहर आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको नीचे दिखाने के क्या क्या ड्रामास होते हैं लाइफ में हम जानते हैं. तो
फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपनी इनर पीस में मस्त हो, लाफिंग बुद्धा के जैसा। सारी पावर, कुछ भी परिस्थिति हो, बट योर पावर इज इन योर हैंड। क्या होता है फ्रेंड्स, यूजुअली जब कुछ भी गड़बड़ होते हैं तो हम पावरलेस हो जाते हैं, वी कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन। तो स्पिरिचुअल मास्टरी वो है फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी करे, हम पावरलेस नहीं होंगे। ऑलवेज यू विल बी पावरफुल, पावर विल बी इन योर हैंड्स, यू कैन नॉट शेक ऑफ। कितनी अच्छी बात है कुछ इस तरह का हो जाए कि हम पावरफुल बन के रहे, दूसरों को रूल करने के लिए नहीं, खुद पे रूल करने के लिए, टू हैव द मास्टरी ऑन द सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, एंड कोई भी परिस्थिति हो, हम हमेशा इस पावर के साथ रहें, प्रॉस्पेरिटी के साथ रहें, अबंडेंस के साथ, समृद्धि के साथ, यानी ऊर्जा से भरकर हम अपनी सहज स्थिति में रहें। टोटल में बोले तो बुद्धा का जैसा। हम सब पिरामिड मास्टर्स का पाथ हुई है, द पाथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध बनने आए हैं। तो आज हम डिसाइड कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत अपने आप को हमने ड्रामा कर लिया, कल बहुत कुछ क्या होता है सीख लिया, तो अभी हमको बनना है वो मास्टर। तो आज और कल हम वो सीखेंगे फ्रेंड्स, मगर हम ये बहुत ही ऑलरेडी हम 1.5 ईयर से सुन रहे हैं, मैं तो 12 साल से सुन रही हूँ, पूरा जान रही हूँ, मगर अभी इसको अप्लाई करने का हम डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स में अगर एक पॉइंट भी अगर हमने अप्लाई कर लिया तो हम अपने जीवन में हम कंप्लीट संपूर्ण मास्टरी हमारी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, योर इनर पीस, योर पावर इज विद यू, यू आर ऑलवेज हेल्दी वाइब्रेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड यू आर ऑलवेज इन प्रॉस्पेरिटी, हेल्दी वाइब्रेंट। तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स, यही है मेन होती है इस धरती पर। ओके, बियॉन्ड की बात बातें करेंगे, इसको एक्चुअली सेल्फ मास्टरी करे तो अच्छा रहता है, मगर स्पिरिट थोड़ा बहुत ही मिस्टिकल होती है, हम मेस्मराइज होते हैं ना, तो हम स्पिरिचुअल मास्टरी मिलकर लगाए हैं नीताजी और हम मिलकर। ओके फ्रेंड्स, तो हम सब रेडी हो जाएंगे इसका ज्ञान लेने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पाथ फ्रेंड्स, हमेशा हमको एक बात याद रखना है, इट इज ऑलवेज द पाथ ऑफ फायर, इट इज नेवर अ सिंपल थिंग, मगर यही सही रास्ता होती है फ्रेंड्स। इधर उधर भटकने के लिए, जैसा हम चींटी जा रही तो हम इधर हाथ लगाए तो क्या करती है, इधर उधर होती है, मगर उसका रास्ता पर ही हो जाती है। आप इधर हाथ लगाओ तो फिर उधर ही जाती, इधर हाथ लगाओ ऑब्स्टिकल करो तो फिर भी अपने रास्ते में जाती है, मगर हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो गई तो भटक जाते हैं वापस, या इधर उधर, कोई उधर बुलाए कि इधर बुलाए, हम भटक जाते हैं। तो पहले हम देवी देवताओं का, पूजाओं का, गुरुओं का, फिर और अभी किसी और के शरण में, कहीं गए तो कुछ और मिलता है क्या, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक हम खुद अपनी मास्टरी नहीं पाते, कुछ खुद हम वो पावर नहीं बन जाते, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी पटकना बंद करके हमको भीतर ये पावर को गेन करना है। ओके, आज ये पूरा वही होगा जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ का क्या क्या होती, मतलब हमारी पर्पस क्या है, हमको सही दिशा दशा हमको दिखाएगी जब हम स्पिरिचुअल पाथ में आ जाते हैं, चैतन्य से जुड़कर शुरू करते हैं, तो हमारी डिवाइन पर्पस हमको पता चलती है, लिविंग द पर्पस। ओके, एंड हमारे भीतर वननेस और प्रेम कंपैशन आते हैं। पहले क्या होता था, प्रेम तो रहता था, अपने बच्चों से रहता था, पति तो क्या, कभी लड़ाई दिया तो ये तो ऐसा करता, पूरा कॉल चले जाते अपनी माँ को, बहन को, सबको, दोस्तों को, कि मेरा पति ऐसा है। अभी क्या है, सिर्फ अपने फैमिली को नहीं, हर किसी को हम प्रेम कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद दिस वननेस कम्स इन टू अस, इस सेपरेशन की बात हमको अलग हो जाए, अपने आप चले जाएंगे। तो ये मास्टरी हमको आएंगे, क्योंकि वही सही है, हम उस महासमुंदर का एक बूंद है, पूरा समुंदर और है तो हम सभी उसी में हैं। तो इस बात का समझ में आना भी हमारे जरूरी है, तभी हम एकता से मिल पाएंगे। ये भेदभाव, ये लड़ाई, ये सब कुछ कब खत्म कब होगा, जब ये अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, जब स्पिरिचुअल मास्टरी में आएंगे, तो पाथ में आएंगे, तो हमको ये समझ में आएगा हमारी ग्रोथ, हमारे प्रश्नों का, ये मौत क्या है, जीवन क्या है, ये सत्य क्या है। सत्य में भी बहुत अभी पार्टीशंस हो गए, तो सत्य का सत्य क्या है, हम सब जानना, ये सब क्या है, हम स्पिरिचुअल मास्टरी करते करते हम अपने आप को जानेंगे। अभी क्या है, बाहर ढूंढ रहे, कोई कुछ बोले, अभी हम 10 लोगों को अपने प्रश्न लेकर, मुझे आते हैं फ्रेंड्स,
वो फॉरवर्डेड ऑडियो रहती है, मतलब अभी तो उसका प्रश्न को लेकर और भी कई मास्टर्स को पूछ चुके हैं, तो क्या सुन रहे हैं हम, कुछ भी नहीं मिला, मतलब आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ही है, नोबडी कैन गिव यू दैट सोल्यूशन। हम फ्रेंड से एक दूसरे का सहारा बन के रह सकते हैं, मगर सोल्यूशन आपको ही पता है, आपको ही लेना है। तो ये सब हमको मास्टरी जब हमारी आ जाएगी तो हम खुद अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनेंगे। मगर मैं पहले ही बता दे रही फ्रेंड्स, ये उन्हीं लोगों के लिए वो खुद पे काम करने के लिए रेडी है। कल हमने बताया इनर वर्क, वो इनर वर्क करने के लिए तैयार है, जो रियली मास्टर बनने के लिए रेडी है, उन्हीं लोगों के लिए ये सब होगा फ्रेंड्स। एंड बाद में हमारी सफरिंग चली जाएगी तो एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट से फिर हमारी विमुक्ति, जो भी हम कहते हैं जीवन मुक्त होने का, ये सब हमारी होती है। अगर ये मेरे लिए नहीं है, मैं बस 20 ईयर्स की हूँ, मैं जीवन एंजॉय करी हूँ, तो नहीं। अगर हमारे कान में ये ज्ञान पड़ गए, मतलब दिस इज फॉर अस ओनली, अभी कितने करोड़ लोग पूरा बाहर अपने ही जीवन में रोते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे कान में पड़ी मतलब दिस इज फॉर अस, यू नीड टू टेक एक्शन फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, एंड उसके साथ स्पिरिचुअल मास्टरी यानी सर्विंग करना, सेवा करना, एक माँ होने के नाते इवन द मेल पर्सन ऑल्सो, हम क्या करते हैं, माँ हमेशा बच्चों को घर के लिए सेवा करती है, फैमिली के लिए, और आदमी भी कोई कम नहीं, वो दिन भर ऑफिस जाकर इतना अपना दिल जान लगाकर मेहनत करके आते हैं, हम तो कंफर्ट जोन में करते हैं, घर की छत में करते हैं, तो वो लोग वो बाहर जाकर इतना मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा के लाते हैं, ही इज ऑल्सो पुटिंग सो मच एफर्ट, सो बट हम अपने मतलब ही के लिए कर रहे हैं, इट इज ओनली द स्मॉल फैमिली वी आर डूइंग। जब हम स्पिरिचुअल मास्टरी होती है, अपनी फैमिली सिर्फ अपनी होगी, पूरा एक्सपैंडेड, पूरा धरती हमारी फैमिली होगी, पूरा लोगों के लिए सेवा करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं हमारे लिए है, मतलब वी आर ट्राइंग टू फुल आंसर, ये सिर्फ हमारी हमारे लिए है फ्रेंड्स। हम जिस पल अगर हम जब मिला हमको, अगर हमको हम उसको फॉलो नहीं करें तो बहुत देर हो जाती है, तब तक हम हमारे साथ ही पूरा आगे चले जाएंगे, ज्ञान भारत टीम पूरा आगे रहेंगे, जो रुक गए तो मतलब उनके पास ना ज्ञान भारत का टीम का सेशन होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो अकेले पड़ जाएंगे। तो हम सब मिलकर स्पिरिचुअल मास्टरी करने का वादा करें, ठीक है, प्रॉमिस, यस। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल मास्टरी का, स्पिरिट या आत्मा ये सब जाने से पहले हमको इसको मास्टरी करना है, तो फर्स्ट हमको अवेयरनेस के साथ रहना होगा फ्रेंड्स, हर पल अवेयरनेस, अवेयरनेस किसके प्रति, अवेयरनेस। शुरुआत करने से पहले और एक बात कहती हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, यस। जब भी हम इस तरह का ज्ञान सुनते हैं, जैसे कि कल का ज्ञान हमें सुने हैं, तो कुछ भी अच्छा हम कर रहे हैं तो हाँ, मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ, ये सब मुझ में है क्वालिटी, ये मेरी है सोचते हैं। कुछ भी गलत के हाँ, कि किसी के ऊपर तुमको जलसी आती है, किसी को कमेंट करती हो, जजमेंट करती हो, तो हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हाँ वो ऐसी है, वो जजमेंट करती है, मतलब सही बातों को हम अपना लेते हैं, दूसरों को हम ये ऐसा है वैसा है बोलकर हम दूसरों में ढूंढने लगते हैं जो गलत बातें हैं। अगर इस तरह का बुद्धि हमारे भीतर है, इसका मतलब अभी हम स्पिरिचुअल पाथ में नहीं आए हैं, अभी हम सही मायने में ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम कुछ भी ज्ञान सुन रहे हो, हम कुछ भी ज्ञान सुन रहे हैं, तो एक ही एक ध्यान रखना है कि दिस इज फॉर मी, मैं मुझे कहाँ से बदलना होगा, मैं सही हूँ कि नहीं, चाहे लोग कुछ भी हो, मैं सही हूँ कि नहीं, ये कहाँ कहाँ मेरे टिक आ रहे हैं, कहाँ मेरे इंटू आ रहे हैं, इस पे मुझे काम करना है। ये नहीं कि हाँ देखो देखो वो ऐसी है, वो मास्टर मास्टर बोल के अपने आप को दिखाती है, मगर वो देखो ऐसा करती है, अगर हमारे भीतर कहीं आ गए तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम मास्टर नहीं है, तो हम ध्यान भी सही नहीं कर रहे हैं। ओके, ऑल द स्पिरिचुअल लर्निंग्स आर जस्ट फॉर अस, हम अपनी भलाई के लिए, हमारी तरीके के लिए, तो कुछ भी सुन रहे हैं, हम अपने ऊपर से फोकस करना है, किसी और को परखने की कोशिश नहीं करना है फ्रेंड्स, दिस द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू। अभी इसके साथ अभी हमारी मेन होती है अवेयरनेस, 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 वी मस्ट बिल्ड द सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता, कहाँ की जागरूकता, अरे देखो ये ऐसा करे है क्या, तो हमको अलर्ट रहना है, वो ऐसा करेंगे मुझे अलर्ट रहना है, वो जागरूकता नहीं फ्रेंड्स, खुद के प्रति जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, वी मस्ट बिल्ड द सेल्फ अवेयरनेस।
हर पल मैं क्या कर रही हूँ एंड मैं कौन हूँ, किस तरह से मेरी सोच विचार आ रहे हैं, कोई कुछ बोले तो मुझे, मैं बाहर अच्छा बात कर रही हूँ मगर पीछे में उसको गाली दे रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, सामने में अच्छा बात करी मगर पीछे में क्या कर रही, ये सब हर पल मेरे भीतर क्या हो रही है। कोई कुछ कह दिया, बाहर कुछ हो गया, तो करोना डरना नहीं बोलकर हम बोले मगर करोने की बात सुनकर अगर बाजू वाले कहीं मर गए बोल के हमने जाना तो इमीडिएटली बाप रे बाजू वाले तो मेरे करीब आ गए, तो फिर डर के मतलब तब जाकर के ओके मतलब हमारे भीतर अभी भी डर है, मतलब शक्ति कम है तो इसको बढ़ाना। तो हमेशा मेरे भीतर क्या हो रही है ये चेक करते रहना है। वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट इज हैपनिंग इनसाइड यू, यू नीड टू चेक फ्रेंड्स। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्पिरिचुअल पाथ। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं फ्रेंड्स, ये साथ साथ हमारे जीवन भर हमको चलता रहेगा, हर पल हमारे साथ ही रहे तभी हम स्पिरिचुअल मास्टरी को हम पूरा करेंगे। मतलब ये सर्टिफिकेट कोर्स हमारा होगा और इस सर्टिफिकेट कोर्स को हम निभाते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस है। ओके, तो ये सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट एक्साइटिंग स्टेप और इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में बताएंगे फ्रेंड्स। तो पहले हमको हम कौन है हमको जानना होगा। ये आत्मा की बात नहीं कह रही फ्रेंड्स, आत्मा 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 बहुत के लिए सच में अनुभव में तो कुछ भी नहीं जानते आत्मा का क्या है। तो एक्चुअली मैं भीतर में कौन हूँ, बाहर तो मैं बहुत ही अच्छा बनने की बहुत ही ज्ञान दे रही हूँ, मेरे भीतर में एग्जैक्टली मैं क्या हूँ, क्योंकि हम हर कोई परफेक्ट नहीं रह सकते, वी ऑल आर इन द जर्नी। हम मैंने 10 गुणों को मैंने मास्टरी कर लिया तो मैं 10 सिखा रही, तो मेरे पीछे और भी 100 है तो उसको भी मुझे मास्टरी करनी है, मगर मुझे ये नहीं सोचता मैंने 10 को मैंने मास्टरी कर लिया तो मेरे हो गए। तो ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिंग इनसाइड योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट हमको क्या करना है, ये सब हमको ढूंढते रहना है। नो योर सेल्फ एंड नो योर वर्थ। कई बार फ्रेंड्स हम अपने आप को बहुत ही ग्रेट सोचते हैं, हम अपने आप को कम भी सोच लेते हैं, सेल्फ डाउट लेकर बैठते हैं, सेल्फ वर्थ नहीं जानते हैं, मेरे मैं नहीं कर सकती, इतना मेरे भीतर नहीं है, वही ग्रेट है बोलकर चाहे कोई और हमको नीचे दिखाए या खुद भी हम अपने सेल्फ वर्थ को नहीं जानते हैं। तो दुर्गुणों से मतलब बैड बिहेवियर से हम गुणों में भीतर कैसा है और भी मतलब दूसरों के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, इस तरह का भी सोचना है। कहीं हम आत्मन्यूनता भावनाओं से भी हम है क्या, ये अवेयरनेस हमको जानना है, क्योंकि इस अवेयरनेस ही हमको एक्चुअल ओपनिंग करेगी कि हमको कहाँ पर अपना खुद पे काम करना है। ये सेल्फ अवेयरनेस इज टू वर्क टू नो आवर सेल्फ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। कहीं बार फ्रेंड्स हम जानते मगर हम नजरअंदाज करके बातें पट पट बोलते मगर भीतर हम सब क्लियरेंस कुछ भी नहीं होती है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जब हम जानेंगे हम कॉन्शियस हो जाएंगे अपने प्रति। ये सारा पॉइंट्स में जब बताऊंगी हमारे खुद के होमवर्क इतना हो जाएगा, we will not have time to think about others। जैसे हम किसी को जीनी को काम देना है तो क्या करना है, उसको पूरा काम देकर कैसे बिठाना है, हम अपने आप को इस माइंड को एक काम देकर बिठाना है। हमेशा तुम चेक करते रहो तुम्हारे भीतर क्या हो रही है, ये बाहर को छोड़ो बोलकर ये सेल्फ मास्टरी को देना है। हमारी कैरेक्टर क्या है, हमारी फीलिंग्स, हमारी मोटिव्स क्या है, कुछ भी काम करते हो तो मतलब ही होती ही है, तो मतलब सबके भलाई के लिए है या पर्सनल भलाई के लिए, कुछ पर्सनल एजेंडा है, क्या मोटिव्स है, हम मैनिपुलेटिव है या कुछ कैलकुलेटिव है, कुछ गलत कर रहे हैं। जो ब्रोकर्स कमीशन एजेंट्स हमको देखते हैं, सडन में मुझे ये बात पता नहीं क्यों याद आई, मैं बैंक से कनेक्ट हो गई शायद, बैंक में फ्रेंड्स जो भी ये ब्रोकर्स कमीशन एजेंट्स होते हैं उनको लो प्रोफाइल कहा जाता है, क्योंकि क्या है वो सही मायने में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से बिजनेस करके कमीशन ले रहे हैं तो लो प्रोफाइल में आते हैं। तो हमारे भीतर भी हम इस तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या, हम वो ब्रोकरेज कर रहे हैं क्या, इस तरह का मैनिपुलेटिव है क्या, ये आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही हीन गुण होती है फ्रेंड्स, जो अगर इस तरह का गुण एजेंडा लेकर हमारे भीतर है। एंड और एक बात है कि अपने इस सेल्फ मास्टर के ऊपर जब हम फोकस करेंगे ये बहुत ही कठिन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम अलाव नहीं करेंगे, सबको जज करने के लिए मजा आता मगर वी विल जस्टिफाई आवर सेल्फ,
देखो ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, यू विल ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. तो ऐसा नहीं फ्रेंड, सेल्फ मास्टरी होने के लिए अपने नकाब को किसी और के सामने नहीं, खुद के पास जाकर नकाब उतारने के लिए तैयार होना. कल हमारी सेशन क्लोज हुई थी इंट्रोस्पेक्शन से, तो आज ओपन हो रही है इस इंट्रोस्पेक्शन से. किस तरह से हम इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि ये नकाबों को हम खोले तो ही हम सही मायने में स्पिरिट तक हम पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स. एंड बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ्स मींस आस्किंग योरसेल्फ द टफ क्वेश्चंस. हम अपने आप को आपसे हम ऑनेस्ट रहना है, तभी हम जा करके देखो मैं ऐसा करी हूँ, उस समय में मेरे गुण ये बेहतर है, मुझे इसको क्लियर करना है, ये सही नहीं, ये बुक मैंने पढ़ा ये गुण सही नहीं है, मुझे इसको क्लियर करना है. अरे पति ऐसा करते हैं, मैं भी दुखी हूँ, दुखी आत्मा हूँ, इस बात को भूल जाना है, भूल जाए आपके जीवन में कोई है, बिकॉज स्पिरिचुअल पाथ इज ओनली आवर पाथ. हस्बैंड ने चुनकर नहीं आए आध्यात्मिक मार्ग के लिए, हमने चुन लिया आध्यात्मिक मार्ग, तो हमको इसको निभाना होगा. वो कैसा बिहेव कर रहे हैं उसको मास्टरी करना हमको छोड़ देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स. ओके, एंड सेल्फ अवेयरनेस इज इन जस्ट बेटिंग ऑन योर स्ट्रेंथ बट एक्सेप्टिंग योर शॉर्टकमिंग्स. ऐसा नहीं कि हम मैं सेल्फ अवेयरनेस लेकर देखो मैं कितनी ब्रेव हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके बारे में नहीं, हमारे वीकर पॉइंट्स को भी, अच्छा मेरे मेरे भीतर इस तरह का गुण है, मैं बार बार मैं रो लेती हूँ, मैं बार बार हर्ट होती हूँ, इस तरह का कुछ भी गुण है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, अच्छा इसको भी हम अपनाएंगे. ओके दिस इज लाइक दिस, आई विल वर्क ऑन दिस. पहले हम इतना हमको अपने खुद से ट्रांसपेरेंट होना है. ये सब होमवर्क हम करने वाले हैं आज रात को, तो अच्छी तरह से सुनिए. हम क्यों सेल्फ अवेयरनेस को जाते बोले तो, कोई भी आजकल जब तक हम ध्यान मार्ग में आए तो हमें सेल्फ अवेयर तो है ही नहीं, ये बागडोर बाहर बाहर क्यों बोले तो, the fast life, the distractions we have in our life. हम हमेशा सोचे हैं कि हमको बाहर से ही हमको पूरा हमको मिलती है solutions, भीतर से नहीं मिलती, हमने सोचा तभी तो हम ये हाल में है. ओके, ये फास्ट पेस लाइफ है एंड वी डोंट नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्फ. भीतर जाके कुछ हो सकते हम नहीं जाना, अभी हम ध्यान करें तो भी कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, होगा मगर अगर 100 जन्म आप इसी तरह ध्यान करते रहोगे इस श्वासों पे, इस श्वासों पे, इस श्वासों पे, तब होगा. पत्री जी क्या कहा है सोल एवोल्यूशन में, यू कैन हेस्टन योर प्रोसेस विद विजडम. ज्ञान में हम ज्ञान अप्लाई करके हम अपना प्रोसेस को हम जल्दी बढ़ा सकते हैं, तो देखिए इस बात की ये बातों को अपना कर हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स. हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर, तो फर्स्ट पॉइंट होती है नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. हमारे भीतर हमारी क्या है शक्ति, कुछ भी हो तो मेरे भीतर सहने की शक्ति है या सहनशीलता नहीं है मेरे भीतर, कुछ भी हो तो भी मैं सबको जोड़ के रखती हूँ, कब को अलग नहीं करती, मैं हमेशा सत्य में रहती हूँ, इस बात को भी रखना. मैं दुखी जल्दी हो जाती हूँ, मैं हर्ट हो जाती हूँ, सभी को मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेती हूँ, ये मेरी वीकनेस है. इन दोनों बातों को जानना भी हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस. तो फ्रेंड्स ये सब आप बुक में लिख लीजिए पॉइंट्स, या तो फिर से सुनकर अपना ये लिस्ट आपको बनाना होगा. ओके, सो इसके लिए क्या करना होगा, हम अपने आसपास के लोगों को जो हम ट्रस्ट करते हैं, हमारी सिस्टर्स, हमारी फ्रेंड्स, उनको पूछना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ मैं गलती कर लेती हूँ, कहाँ मैं मिस हो जाती हूँ. उन सारी बातों को मानने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है. ओके, सो यू आस्क देम अबाउट द वीकनेसेस एंड देन जाकर के आपको एक लिस्ट मिलेगा कहाँ कहाँ आपके अपने आप को जानने के लिए आपको मिलेगी, और भी आपके भीतर आप जाकर आप चेक करेंगे कि क्या करना है. देन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड, गिव योरसेल्फ परमिशन टू बी करेजियस एंड फेस योर फियर्स. मतलब हम क्या करना है, ये क्यों हो रही है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, ये सही है कि गलत है, इन सारी बातों को हम अपने आप को प्रश्न करना है. शुड कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ व्हाई एम आई डूइंग लाइक दिस, वेयर इज माय वीक पॉइंट, वेयर आई एम नॉट एबल टू होल्ड माय सेल्फ, कहां मैं मिस हो जा रही हूं. इन बातों को हम अपने आप को एसेस करना मतलब यहाँ तो दूसरों को हम जैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये अच्छा अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है, हम अपने आप को
कैलकुलेट करना है कि वेयर एम आई एंड व्हाट एम आई डूइंग. ओके, एंड वन शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. अगर किस तरह हम अपने आप को एनालाइज करना बोले तो देखो, अगर वो ऐसा पूछे तो मैं क्या करूंगी, मैं झूठ बोलेंगी या सच बोलेंगी. कोई मुझे कुछ धोखा देने के लिए बोले, मुझे कुछ प्रॉफिट आता बोले, तो मैं उस समय में मैं सत्य के साथ रहूंगी या असत्य के साथ रहूंगी. इस तरह का प्रश्न हमको पूछना है. और भी हमारे लाइफ की एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बहुत सारे रहते हैं कि कई बार हमने अपना इस इंटीग्रिटी को हमने छोड़ दिया है, तो उन बातों को याद करना है. यहाँ पर मैंने अपना समग्रता को छोड़ दिया है तो यहाँ पर अभी मुझे रिपेयर करनी है, वैसा नहीं रहना है. सत्य के बात में हो तो मुझे सत्य ही रहना है. इस तरह का कुछ गलत सिचुएशन आ गई तो मैं हैंडल कर सकती हूँ क्या, तो ये मेरी वीकनेस है. कोई कुछ भी गंदा बोल दे तो मैं साइलेंट रहूंगी क्या, वो मेरी वीकनेस है. तो इस तरह का पूरा क्वेश्चन, व्हाट वुड आई रिस्पॉन्ड टू, मैं रिएक्ट करूंगी या रिस्पॉन्ड करूंगी, कितनी मेरी बर्दाश्त है, कितनी वो है, किससे मेरी अच्छी बनती है, किससे मैं ओवर रिएक्ट होती हूँ, किससे मेरी ट्रिगर होती है, ये सारी एनालाइजेशन हमको सेल्फ एनालाइजेशन करनी होगी. और इसके लिए हम कोई और किसी को भी अगर ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स. देन नेक्स्ट होती है ये, वी मस्ट ट्राई न्यू थिंग्स. नए नए चीजों को हमको ट्राई करना होगा. नए चीजों को ट्राई करना होगा मतलब मैं वॉकिंग पे मैं ईस्ट से को जा रही हूँ तो नया चीज ट्राई करने के लिए वेस्ट को वेस्ट साइड वॉकिंग जाना ये नहीं होती फ्रेंड्स. ओके, आज मैंने पट्टू साड़ी पहन लिया तो कल मैं कुछ कॉटन साड़ी पहनेंगे, वो नहीं. मतलब अपनी कंफर्ट जोन में हम बस अपनी ही कंफर्ट जोन में हम अपना काम करते रहते हैं तो हम अपना स्ट्रेंथ वीकनेस हमारी कैपेबिलिटी नहीं जानते हैं. बहुत ही ग्रेट सोचते हैं मगर कुछ सिचुएशन आ गए तो हम पता नहीं चले. तो हम क्या करना है, जितना हम कर रहे हैं उससे और ज्यादा अपने आप को अलाउ करना है. यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन से बाहर आकर करने की कोशिश करना है. अगर आपको एक चैप्टर एक घंटे का क्लास बोलने के लिए आपको है, मैं पूरा मेरी एग्जाम्पल से मेरी क्या है उससे बता रही फ्रेंड्स. आपका कुछ भी होगा जो भी आपके प्रोफेशन में यू कैन इंक्लूड दैट. तो अगर एक घंटे का सेशन में करने के लिए हो तो मैं 2 घंटा बोलने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करना होगा. आई शुड पुट इट आउट ऑफ कम्फर्ट जोन. कुछ भी संस्कृत के ज्ञान मुझे नहीं आती तो मैं संस्कृत को पढ़कर बोलने के लिए तो क्या होती है, भीतर एक शेक ऑफ होती है. कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो सही मायने में हम एग्जैक्टली क्या हैं, ये कितनी सिंपल सी सादगी में हम रहते हैं ना, वो सही बुद्धि हमको पता चलेगी. रियली आई एम कैपेबल और आई एम नॉट कैपेबल. ओके, रियल मास्टरी आई है कि नहीं हमको पता चलेगी फर्स्ट. थोड़े थोड़े और इसके लिए ज्यादा भी नहीं, धीरे धीरे करके हम अपने आप को आई विल डू दिस. आज मैं 1 घंटा का ध्यान करूंगी, कल से मैं 1.5 आवर, फिर नेक्स्ट डे से मैं 2 आवर्स करूंगी, मैं 1 आवर वॉकिंग करूंगी, मैं 1 आवर साधना करूंगी. इस तरह का जो भी है आप धीरे धीरे करके अपनी लिमिटेशन को बढ़ाना होगा. इसी से हमारी स्पिरिट तत्व हमारे भीतर बढ़ेगी. ओके, बस कम्फर्ट जोन में हम चल रहे हैं, बस घर में बैठे हैं हम ध्यान सिखा रहे तो बस बहुत हो गए, ये नहीं. व्हाट एल्स आल्सो यू आर डूइंग, यू शुड अलाउ द कॉन्शियसनेस टू एक्सपैंड. जैसे कि हमको पता है ना, हम शराब पी रहे हैं डेली, एक पैक पी रहे तो फिर नॉर्मल हो जाती है, तो फिर दो पैक, ऐसा नहीं. तो हमको मतलब वी नीड टू एक्सप्लोर मोर. वहां पर नेगेटिव होते हैं मगर इस तरह अपने आप कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने से हम और भी एक्सपैंड होते हैं. Because this is happening at the conscious level. Okay, friends? And opportunities exist, find them. Opportunities हर जगह पर, हर स्थिति पे बहुत सारे opportunities हैं. Sage wisdom हम सब ने सुने होंगे. There are immense number of possibility. अपने कुछ सोच लेते हैं तो जब सोचने के बाद जो भी होते हैं तो करीब होते हैं. जैसा कि आप सोचा 90% आए, आपको 60% आए या 65 आए, किसी को 95 आए, तो ये सारी संभावनाएं हैं. ओके, तो हर कोई संभावना सोच के अपॉर्चुनिटीज है बोलकर चलना है, उसको ढूंढना है. अगर आपको संभावनाएं नहीं दिखी तो खुद क्रिएट करना है. ये सब से क्या होगा, हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी. दूसरों से कुछ मिले, दूसरों से कुछ हो जाए छोड़कर हम खुद अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है. व्हाट आई कैन डू, व्हाट नेक्स्ट बोलकर देन अपने सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ वर्थ को जानने के लिए हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को हमको याद करना होगा.
अभी क्या है इस जीवन के, इसमें हम भागदौड़ में आकर हम अपने आप को भूल गए. व्हाट इज माई कैपेबिलिटी? अगर मैं ब्यूटीफुल सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ, बहुत ही लविंग, केयरिंग, हेल्पफुल, अच्छा कुक करती हूँ, सबको मदद करती हूँ, एक ग्रेट क्वालिफाइड पर्सन हूँ जो ऑफिस में मैं अच्छा काम करती हूँ, इस तरह मेरी बेहतर के बचपन से लेकर अभी तक अपने लोगों को भी हम याद करके उनसे उनसे ले लेना. वी शुड राइट अ क्वालिटीज व्हाट ऑल वी हैव, तब जा करके हमारी सेल्फ वर्थ हम जानेंगे, हमारे भीतर हमको ट्रस्ट आएगी और हमारे आसपास के लोगों को भी ट्रस्ट आएगा. क्योंकि हमारी वर्थ हम जब जान जाते हैं तो हम किसी और के सामने हम अपने आप को कम या ज्यादा नहीं सोचते हैं. when we don't know the self worth only, हम दूसरों के पास हम झुक जाते हैं. ओके तो ये सेल्फ वर्थ जाना, हम अपना पूरा स्ट्रेंथ को, इंटरेस्ट को, क्या क्या हम कर सकते हैं. हम एक मैराथन, हम बचपन में साइकिलिंग करके फर्स्ट आए होगा, रनिंग करके फर्स्ट आए होंगे, अच्छा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करे होंगे, इस तरह की सारी बातों को हमको याद करके, हमारे भीतर इन सारी बातों को हमको याद करना होगा फ्रेंड्स. देन लर्न फ्रॉम द पास्ट मेक अ बेटर फ्यूचर, थिंक हिस्ट्री. मतलब हमको क्या करना है, अपने पास्ट में जो भी हमने किया है उन बातों को हमको याद करते हुए हमको आगे बढ़ना है. अच्छा मैंने यहाँ पर ये आए तो ये गलती की, इसका नतीजा ये है, तो अभी मुझे क्या करना है. फिर से वो सिचुएशन आए तो ऐसा रहना है. अगर वो सिचुएशन अभी भी है तो इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या नतीजा चाहिए. इस तरह का अपनी खुद की होमवर्क हमको करते रहना है फ्रेंड्स. यू शुड कीप ऑन एनालाइजिंग कहाँ मिस्टेक्स है. अभी तक जो भी हमने मिस्टेक्स किए हैं वो सब को हमको अपने आप को संवारना होगा. ऐसा नहीं कि अभी रात गई बात गई, अभी ये चले गई, अभी वो वैसी है तो अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं, वो वहीं पर पड़ा रहता है. हम उन सारी बातों को हमको संवारना होगा. जैसे कि हमारी लड़ाई हो गई हमारे सिस्टर से, 5 साल हो गए हम उनसे बात नहीं कर रहे, तो वापस जाकर कहाँ गलती हो गई बोल के फिर हम अपना रिलेशन को सही करना होगा, ठीक करना होगा. अगर कोई गलत रिलेशनशिप में है तो 5 साल पहले से क्या हो रही है मेरे जीवन में, अरे बार बार यही हो रही है अपने आप को, मैं इतनी तकलीफ में दा रही, तो ये मेरे लिए सही नहीं, तो वहां से बाहर आना है. तो हमेशा इस आत्मा को दुख और दर्द और डर से जो भी फंसा के रखे उन चीजों से हमको बाहर निकालना है. वी शुड फ्री द स्पिरिट फ्रॉम ऑल दिस लोअर थिंग. तो हमारी ब्लू प्रिंट क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, मेरा लक्ष्य क्या है. ऐसे नहीं कि सिर्फ ये जो ध्यान जगत का ही लक्ष्य है, अपने ही जीवन का कुछ लक्ष्य होगा. एवरीवन विल हैव देयर फिजिकल पर्पस इन देयर लाइफ, उसको जानना होगा. फिर सोसाइटी का ये तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि हम ध्यान मार्ग में आए हैं. और उसके प्रति जब हम जानेंगे, उसके लिए आपका बेस तैयार कीजिए. जैसे कि अगर मैं टीचर बनने के लिए आई हूँ तो स्पिरिचुअल टीचर बनने के लिए आई हूँ तो स्पिरिचुअल ज्ञान लेना. आप कुछ और करने के लिए, आप पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आए तो उस पुलिस ऑफिसर के लिए बनना. एक म्यूजिशियन बनने के लिए आए हो तो उसके प्रति आपको क्या काम करना है वो करते रहना है. तो और अपने भीतर की हमारी पैटर्न्स किस तरह से चल रही है और ये कहाँ से शुरू हुई है. कई बार हम अपना जो भी गुणों को बदलाव नहीं कर पाते, हैबिट्स को नहीं बदला पाते हैं, बार बार वापस हम उसी दलदल में जाके उसी परिस्थितियों में जाकर फंस जाते हैं. तो ये पैटर्न बन गए हैं, ये कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ की ऊर्जा कैसे क्रिएट करी, उस जाकर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर एक सॉल्यूशन देना है, तब ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएंगे. हर एक प्रॉब्लम का रूट होती है, उस रूट तक पहुंचना है. अच्छा बचपन में कोई मुझे नालायक बोला तब मैं इस बात को अपना लिया तभी तो मैं ऐसा हूं. तो इस तरह के बातों को जाकर उस रूट से जब हम रिलीज करेंगे तब अपने जीवन में हम चेंजेस लाएंगे. और उस अपने बुक में वो भी लिखना कि कैसे मैं अपने जीवन में बदलू, इस परिस्थिति से मैं कैसे कैसे बदल सकती हूँ. फ्रेंड्स एक जर्नल, ब्यूटीफुल जर्नल हमको बना के रखना है. यू शुड राइट. मैं मेरी बेटी से सीखी फ्रेंड्स से बात, वो एक अच्छा बुक्स रखे, कॉस्टली ब्यूटीफुल बुक्स खरीद लेती है जो अपने नॉर्मल बुक से अलग रहते हैं, और पूरा सुबह से अपना शेड्यूल लिख लेती है. आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, उनका ग्रेटिट्यूड लिस्ट रहती है. और क्या, शी विल राइट एवरीथिंग, ऑयलिंग द हेयर से लेकर, होमवर्क से लेकर, घर को नीट करने का उनका जो भी होमवर्क है पूरा लिखकर उसको टिक करते हैं और रिफ्लेक्शन भी करते हैं. मैं तो हैरान होती हूँ, मैं सिखाई भी नहीं वो कैसा वो कर लेती है. तो फिर मैं भी अपना शुरू करी मैं उनको देखकर. तो
ये बहुत ही परफेक्टली हमको हमारी मैनुअल हमको हेल्प करती है फ्रेंड्स, मगर थोड़ा सीक्रेटली रख लेना कि कोई भी हमारा ना देखे. दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस फ्रेंड्स. एंड क्या मैं कैसे बदल सकती हूँ उस पॉइंट्स को, हमको लिख लेना. हमारी बचपन में फ्रेंड्स में हम सीक्रेट कोर्स लिखते थे, ABCD, फिर उसके भीतर 1 2 3 4 में, तो उसमें से पूरा हमारा नाम का मतलब, फिर उस नंबर्स लेकर हम सीक्रेट कोर्स लिखकर फ्रेंड्स का एक दूसरे को देते थे. आपने किया होगा ना इस तरह का सीक्रेट लैंग्वेज सीक्रेट कोर्स, और हम और हमारे फ्रेंड हम खुद भी बैठ के कुछ ऐसा स्ट्रोक से हम खुद अपना सीक्रेट लैंग्वेज भी बनाए थे. तो इस तरह का हम पूरा सीक्रेट ही अपना लिख कर हम खुद पे ये काम करना होगा फ्रेंड्स. ओके, देन सेवेंथ पॉइंट ये है कि गैदर रिसोर्सेस. जो भी हम बनना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ मैं फॉरगिव करना चाहती हूँ तो फॉरगिवनेस का, ग्रैटिट्यूड और बढ़ाना चाहती हूँ तो ग्रैटिट्यूड का, कुछ भी और ज्ञान जानना चाहती हूँ, इस शरीर मेरी है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ के रिलेटेड और भी कुछ ज्ञान जानना चाहती हूँ तो उसका नॉलेज गैदर करना, गैदर करके फिर अपने शेल्फ में ऊपर रखना नहीं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट रीडिंग इट, बार बार पढ़ के उसके पूरा नोट्स बनाकर जितना हम लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या होती है लिखे तो मैं बोल रही हूँ, ये हमारी मेंटल लेयर में होती है, हमारी सोच विचार मेंटल से बस हवा में उड़ जाते हैं, मगर जब हम लिखना शुरू करते हैं जो भी सोच रहे हैं, हमारी वीक पॉइंट्स, स्ट्रेंथ तो हमको हमेशा उसको याद करने की जरूरत नहीं, कभी कभी याद भी करना पड़ता है क्योंकि थोड़े लोग अपनी ही स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, तो इस बातों को हमको लिखने तो उस मेंटल से फिजिकल में आएगी, फिजिकल में जब आ जाएगी तो रियलिटी होना बहुत ही आसान हो जाती है फ्रेंड्स. ओके, एंड गैदर द रिसोर्सेस, किस तरह से बुक्स वीडियोस पढ़ना, उसके बारे में जानना, निरंतर वो रिसर्च करना. तो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं एक ही बुक से मैं नहीं लेती फ्रेंड्स, मैं जब सेवन बॉडीज के बारे में मैं रिसर्च करने के लिए, मैं जानने के लिए सोची, मेरी भीतर एक प्रोसेस हुआ था जब मैं हरियाणा गई तो एक डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस हुई है. तो ये सेवन बॉडीज क्या है एग्जैक्टली, एक एक क्या है, रिसर्च करने के लिए मैं एनी बेसेंट की बुक्स पढ़ ली, फिर ऑथर पॉवेल की बुक्स पढ़ ली, फिर इस तरह का कहाँ भी मिले तो पूरा बुक पढ़कर तब जाकर के मैं एक मीनिंग पर मैं अराइव करी हूँ. तो इस तरह का हमको एक ही जगह से नहीं, तरह तरह से ज्ञान लिया तो हमको एक स्टैंडर्ड पे हम आ जाएंगे. हमेशा समय पूरा इसी में लगाना होगा फ्रेंड्स, कोई चैटिंग कोई गॉसिपिंग नहीं, एनरिचिंग योरसेल्फ विद द विजडम. If you want to be truly successful, you have to invest in yourself, okay? And put in the time to give to yourself. तो ध्यान में आने के बाद कम से कम सिर्फ थोड़ा ध्यान तो भी हम कर कर अपने लिए समय दे रहे हैं. ध्यान में नहीं आए तब आप अपने आप को देख लीजिए फ्रेंड्स, हम कौन से हाल में थे. कभी हम किसी को कुछ भी अपने लिए कुछ भी ध्यान में भी स्पा में बैठ के वो करके आते थे, मगर that's all physical. Real work हम अभी कर रहे हैं, तो अभी हम अपने लिए टाइम देना शुरू करेंगे. गिव इट, कीप टाइम फॉर योरसेल्फ. सोने से पहले फ्रेंड्स मैं ये बात कर रही हूँ, पूरा दिन सोने से पहले, ये भी मेरी बेटी से सीखी मैं, और वो पूरा मैं क्या करी हूँ आज, कहाँ मिस हो गई, कहाँ हो गया, मुझे क्या क्या करना है, वो अपने आप को लिख लेती है. तो एक लकीली एक बार मुझे वो बुक मिली तो मुझे नहीं पढ़ने देती, तो मैं पूरा सीक्रेटली पढ़ी, फिर वहां का वहां लगा दी तो मैं जान ली फ्रेंड्स. तो हम इस तरह का हमको पता करना होगा कि वेयर आई एम लूजिंग, वेयर आई हैव डन रॉन्ग, इसको मुझे सुधारना होगा, हमको अपना काम करना होगा. एंड यू हैव टू गिव टाइम टू इम्प्रूव योरसेल्फ. अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें तो बाद में हम इसके लिए बहुत पछताकर हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम की, हमको उसी पे काम करना होगा और कोई काम नहीं कर सकते हम. ओके, एंड ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं, तो अगर दूसरों को जब हम देखते हैं तो अच्छा ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरे भीतर ऐसा है क्या, दिस इज आई एम फाइंडिंग समथिंग रॉन्ग इन देम, वो मेरे भीतर भी है क्या. इस तरह हम अपने आप को चेक करते हुए अपने भीतर खुद पे काम करना होगा फ्रेंड्स. एंड थिंक फॉर योरसेल्फ, बिकॉज बाहर की रिसोर्सेस से हमको बहुत लोग, अभी मैं आपको पूछूंगी सबको, रागिनी बोले तो वाह रागिनी मैम you are so loving, you are so caring, हर कोई वही बोलेगा. तो सही मायने में मेरे भीतर वीक पॉइंट्स क्या है मैं ही जानती हूँ. तो हमको अपना जज बनकर बैठ जाना है. ये सेल्फ अवेयरनेस, इतनी पॉइंट्स जोड़कर मैं बोली फ्रेंड्स, पूरा काम हमारा यही पर रहते हैं. ये जानने के बाद तब मुझे पता चला, अरे तो
मतलब 24 आवर्स हमारे लिए बस ही नहीं होती, तो बाहर की दुनिया का हम कहाँ से देखें? ओके, सो थिंक फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर. हम क्या बनना चाहते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, मगर नहीं बन पा रहे हैं. तो क्या है वो रोक रहे, सब जानकर हम जब छोड़ेंगे हम अपने आप वो बन जाएंगे. फ्रेंड्स, किसी और को हम मैं क्या बनू, मैं क्या करूँ, कभी नहीं पूछना फ्रेंड्स, बिकॉज यू योर सेल्फ नो वॉट एग्जैक्टली यू आर. एंड 11th पॉइंट है बिकम अवेयर ऑफ योर बिहेवियर्स. हम बहुत बड़ी बातें कहते हैं मगर कोई भी नहीं देख रहे हैं पीछे हम किस तरह से बिहेव करते हैं. इस तरह का हम अपने आप को चेक करना है, हमारे सारे बिहेवियर्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बट इवन बिहाइंड द स्क्रीन्स. दोनों बात कर ले रहे हैं तो हम क्या किस तरह से हम कर रहे हैं, हम इस तरह का हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स, डिटैच होकर, जैसे कि दूसरे का हम सुन रहे हैं, दूसरे का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को हम बहुत ही परफेक्टली माइन्यूटली प्रिसाइजली हम जज करते हैं. अरे देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे, तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि वेन एवर यू थिंकिंग अबाउट अदर्स, ट्राइंग टू होल्ड द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू आर कनेक्टिंग टू एनर्जी एंड लूजिंग योर एनर्जी. हम अपनी स्थिति को हम खो ले रहे, तो वी विल स्टॉप दैट एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर इमोशंस. ये थर्ड पर्सन को, हम खुद थर्ड पर्सन बनकर अपने आप को ऑब्जर्व करना है व्हाट इज हैपनिंग एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट टेंडेंसीज. ये रिफ्लेक्शन होती फ्रेंड्स, वही एक बार मुझे याद दिलाओ, सेशन अभी 5 मिनट्स में क्लोज करना है ना. तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है फ्रेंड्स, जो हम रिफ्लेक्ट करने का इसका एक प्रोसीजर होती है. मैंने इस द सॉर्सरर्स क्रॉसिंग एक बुक है फ्रेंड्स ताशा अबलर की, आप सबको मैं विनती करती हूँ, हाउ पावरफुल वी आर और हाउ वी गिव अवे पावर टू अदर्स. हमारी सोच विचारों से, हमारे लोग आसपास के लोगों से हमारी ऊर्जा कैसे घट जाती है, कैसे हमारी ऊर्जा ड्रेन होती है, एंड हाउ टू रिगेन द पावर. वहां पर हमको ब्यूटिफुल बुक, एवरीबडी शुड रीड, वुमेन एंड मैन हर कोई. तो वहां पर रिफ्लेक्शन का एक प्रोसीजर है फ्रेंड्स, मैं डेली फॉलो करती हूँ इसको. तो हमको क्या करना है, बैठ के द सॉर्सरर्स क्रॉसिंग, मुझे पीडीएफ मिले तो मैं नीताजी को भेजाऊंगी, द सॉर्सरर्स यस रिकैप्चुलेशन, इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. तो क्या करना है फ्रेंड्स, यू हैव टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड यू हैव टू जस्ट सिट, पूरी तरह से अपने आप को काम कर लेना है और ऑटोमेटिकली विचार आएंगे. हमारे अभी सिचुएशंस जो भी हम जिस चीजों से गुजरे हैं वो तो आएगा, तो वो तो आएगा, तो साइकिल होता जाएगा, सर्कुलेट होता जाएगा. तो इस सर्कुलेशन क्या होगी, हमको बार बार वही चीजों को रिपीट करेगी. तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू वाइल ब्रीद इन, वॉट यू हैव टू ब्रीद इन दैट प्रॉब्लम एंड यू हैव टू ब्रीद आउट दैट प्रॉब्लम. Then again, when you're coming back, there is a gap inside. मतलब वो चले गए. ये procedure क्या बोलते हैं उसको? I'm not getting them. John Miguel Ruiz का Mexican या कुछ उनका culture का बहुत ही highest ritual है friends ये. Sudden में मैं ये लोगों को पूरा ही oneness oneness बोलकर ये India Pakistan ये author book ये रामपाल सब mix हो गए, सब एक ही knowledge जैसा feel होते हैं. तो उनके नाम याद ना रहे हैं. तो दिस इज अ पावरफुल टेक्निक वेयर इट विल ऑटोमेटिकली रिलीज्ड. ओके, जो भी अभी भी हमारे भीतर मतलब हजारों थॉट्स होंगे जो हम अभी मतलब पूरा खाली होना है, कुछ भी याद नहीं आना, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रही उस तरह का. ओके, यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन रिलीज इट. मतलब ब्रीद आउट कर रहे हो, मतलब द थॉट इज गोइंग ऑफ. मतलब राइट से हमको लेफ्ट टर्न करते हैं, उसको रिलीज करना है. दैट इज बीन रिलीज्ड. देन व्हेन यू आर कमिंग बैक, यू आर कमिंग, हम अपनी फ्रेश श्वास से वापस आ रही है, तो यहाँ पर गैप आ गए, खाली हो गए हैं, वो हमने रिलीज कर दिया. तो हमारे भीतर अपने प्रॉब्लम्स कितने आए फ्रेंड्स, तो किसी को बोले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. मगर हम खुद पे इस तरह का काम करके रिफ्लेक्शन एटलीस्ट 15 मिनट्स हम बैठ के डेली डेली हम इस तरह का उनको रिलीज इट. तो पूरा 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इनसाइड अस, खाली हो जाती है.
उस काली में हम अपनी ब्यूटिफुल लविंग अफर्मेशंस, हम बहुत ही ब्यूटिफुल सोल हो, यू आर लव्ड, यू आर टेकन केयर ऑफ, आई एम इनफिनिट बीइंग ऑफ लव, इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को हम फील करेंगे. ऑल द पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम अपने आप को देंगे. जैसे अपने ना बच्चा को हम ब्लेस करते हैं, उस तरह हम अपने आप को ब्लेस करेंगे. दिस रिफ्लेक्शन वंडरफुल वर्क्स वंडरफुली फ्रेंड्स. बस जितने समय जाए उतने, और हम अपने रिट्रीट्स में जाते हैं और कहीं भी बाहर जाते हैं, ध्यानमा चक्र में आते हैं, पिरामिड्स में बैठते हैं, पगोडास में बैठते हैं, तो वो समय में और भी अच्छा, क्योंकि हाई एनर्जी प्लेस होती है. तो जब हम इस तरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब रिलीज हो जाएगा. अपने जीवन में बहुत ही इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो फिजिकल एक्टिविटी हमको ज्यादा करना होगा. मतलब इतना फिजिकल एक्टिविटी, नीचे पूरा बैठ के पोछा करना है. ऐसा नहीं कि हम पूरा मॉपस्टिक से, नहीं, बैठ के, मतलब दिस वेस्ट को हम नीचे ऊपर कर हम फिजिकल वर्क करना है. पूरा बाहर ग्राउंड में जाकर झाड़ू पोछा, सफाई, क्लीनिंग, नीचे बैठ के गार्डनिंग, इस तरह का जितना हम करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये मेंटल डिप्रेशन, जो मेंटल वीकनेस है, अपने आप चले जाएगा. टैबलेट्स के पीछे पड़ेंगे तो पूरा हमारी नर्वस सिस्टम वीक हो जाएंगे. ओके, सो ये क्या है, हम ये रिफ्लेक्शन करते करते ऐसा हो जाएगा, हमारी सारे पास, मतलब आज आज का, फिर 1 वीक का, फिर 1 मंथ का, फिर इस तरह का पूरा हम अपनी बचपन से लेकर अभी तक जो भी है, जितना समय मिले हम उतना उन बातों को रिलीज करना, जो भी सरफेस हो रही है रिलीज करना. मैंने ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम रिलीज कर रहे हैं, बचपन की कहीं की बात भी हमको याद आ जाती है सडन में, मतलब वो हमारे भीतर रूल कर रही है अभी भी लेयर्स में. तो इस तरह का अच्छी बातों को भी एक्चुअली हमको रिलीज कर देना फ्रेंड्स, बिकॉज वी नीड टू बी एम्प्टी टू एंकर द फ्रेश एनर्जी. अभी अपनी ग्लास में बादाम जूस, बादाम मिल्क है, तो बादाम मिल्क अभी देखो, अभी माही पी रही है अच्छी तरह से जूस, तो वो पी रहे हैं, तो पीने के बाद उसमें थोड़ा सा बचे हैं, और बचने के बाद फिर उसके ऊपर ऑरेंज जूस डाली है, तो अच्छा होगा क्या, पूरा काली होना है तब जाकर के हम नया जूस डालेंगे. तो इसी तरह हमारे भीतर पूरा काली हो जाना है, एंड यू शुड बी टेकिंग मोर एंड मोर फ्रेश एनर्जी. तो ये है फ्रेंड्स अपनी सेल्फ अवेयरनेस. तो नेक्स्ट है, एक लास्ट पॉइंट हम, मैं कह के मैं क्लोज करूंगी, चेक योर एगो. हम जोरदार तालियां देंगे सेल्फ अवेयरनेस को. बाप रे कितने पॉइंट्स फ्रेंड्स, यूट्यूब में जाकर अपना पॉइंट्स फिर से आप लिखिए. ओके, एंड चेक योर एगो. ये एगो के बारे में बहुत क्लासेस सुने मगर हम इस पे काम नहीं करते हैं. एगो वो चीज है फ्रेंड्स, हमको बस यहाँ अपना मणिपुर चक्र से नीचे खींच के रहेगी, मतलब हम एक पत्थर डाले अपने गर्दन में और समुद्र में कूदे हैं, उस तरह का होती है एगो. कितना भी हम ज्ञान मिले, ऊर्जा से भर के रहे, हमें आगे नहीं ले जाने की, तो उसको कट कर देना है, हमेशा चेक करते रहना है. और उस एगो को हम डिसॉल्व करने के लिए ऐसा करना है, सबको पावर दे देना है, मैं ही ग्रेट हूं. अगर फीलिंग आ गई तो यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू एवरीवन, हर किसी को लीडर बनाना है, तब जा करके मैं हूँ और अहंकार चले जाते हैं. एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू वर्क. और जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स पूरा मैक्सिमम इस पे काम करते हैं, द रियल मास्टर्स, जो रियल अवेकन होकर स्पिरिट बनना चाहते हैं, एनलाइटन पाथ है, रियल एसेंशन पाथ को चाहते हैं, यानी जीवन मुक्त होना चाहते हैं, 100% अपनी एगो पे काम करेंगे फ्रेंड्स. एक्शन स्टेप क्या होगा, कंट्रोल योर एगो बाय कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी. हमेशा हम्बल, विनयपूर्वक रहना है. अहंकार आ गए, मैं मुझे सब कुछ जानती हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं सीनियर हूँ, इमीडिएटली कम्प्लीटली विनय, वॉट एवर यू आर, जस्ट हम सब एक ही हैं. अभी ध्यान में आए या कोई और है, अभी मैं ऑफिस में कोई नया ज्वाइन हुई, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, नॉर्मली इक्वानिटी के साथ रहने का प्रैक्टिस करना है. वी शुड ओवरकम इट इन दिस वे, ह्यूमिलिटी के साथ. फिर सेल्फ ऑनेस्टी क्या है, नहीं नहीं अपने आप को जस्टिफाई करते कि हम ऐसा है वैसा है, नहीं, यू शुड ऑलवेज, भीतर हम ऑनेस्टी के साथ हमको रहना, एंड हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना. एगो हमको तभी आती है कि एक लिमिट जोन में हम करके करके हमको मास्टरी आ जाती है. जैसे कि मैं तेलंगाना में पूरा प्रचार करी, तेलंगाना में मेरी मास्टर हो गए, तो क्या है, मैं तेलंगाना, आई नो एवरीथिंग, मगर तेलंगाना से बाहर मैं निकलती हूँ, तमिलनाडु या नॉर्थ इंडिया आती हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो मेरी असली जगह क्या है,
कुछ भी नहीं जानती हूँ। इस तरह हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाकर अपनी ईगो को चेक देते रहना है। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड पॉइंट है एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमारी सोल की एक ब्यूटीफुल होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हम हमेशा कोई मिले हमको कि हम अपने बारे में एक्सप्रेस करें, ये फीलिंग हमको आती है। मगर हम सब, हम में से लकी वो होते हैं फ्रेंड्स कि बिना कुछ बोले हम, वो व्यक्ति अगर हमको समझ पाए कि हम जो है सो है, अपने आप को एक ही इस तरह का हमको जान लेते हैं बिना कुछ बोले, तो हम धनी है फ्रेंड्स। इसी तरह की फ्रेंड है नीता बोजवानी जी। जब हम 3 साल पहले मिले थे, वी जस्ट डोंट नो एनीथिंग, बस फेसबुक के फ्रेंड थे, मगर बस हमने एक दूसरे के सामने आ गया, मुझे पूरी तरह से वो अपना ली मुझे। तो और भी एक फ्रेंड है फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर, गीता बोलकर। वो भी मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंट थी, बैंक में बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब करती थी, इतना सब कुछ था। मगर ध्यान में आने के बाद मैं जहाँ हूँ वहां रहती थी, और मैं अच्छा हूँ, मेरी क्वालिटी से कुछ भी नहीं जानती। बस मुझे देखते ही वो पूरी तरह से मुझे पहचान ली और मेरे बारे में मुझे कुछ बता रही, तो मैं तो शौक हो गई। इतना कैसे अपना लेते हैं कोई किसी को बिना कुछ बोले। हम तभी रह पाते हैं जब हम एक गोलेस रहते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, उस स्थिति में रहते हैं। तो ये एक्सप्रेस करना है फ्रेंड्स। यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू नीड टू अलाउ टू एक्सप्रेस अदर्स। जब हम इन बातों को करेंगे, हमारी स्पिरिचुअल मास्टरी आएगी। ऐसा नहीं कि हम अपनी ही एक्सप्रेस करते रहें, और ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी एक्सप्रेस ना करते हुए, सब कुछ हो रही है हम जानते हैं मगर हम चुपचाप बैठे, ये भी गलत है। ओके? और ये एक्सप्रेशंस कहाँ से होती है? हमारी हृदय से, हमारी माइंड से, हमारी बॉडी से। तो हार्ट से हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे फ्रेंड्स अपने आप को? ब्यूटिफुल पोएम्स। बचपन में बहुत पोएम्स लिखती थी फ्रेंड्स, मुझे पता भी नहीं था। आई यूज्ड टू राइट नेचर के बारे में, और बहुत ही लविंग पोएम्स वो सब में लिखती थी। हम सब भी लिखे हैं, पेंटिंग्स करती थी। तो इस तरह का हम पेंटिंग से, गाने से, गाना गा कर अपने आप को इस हृदय से एक्सप्रेस करना है। फिर राइटिंग से, माइंड को कैसा, राइटिंग से, पोएम से, ऐसे राइटिंग से, कुछ भी टॉपिक का बात करते हुए हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। गाना गाकर और प्रेम को व्यक्त कर कर, प्रेम दिखाकर हृदय को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ मच यू लव, हाउ मच यू केयर। जेंट्स तो जेंट्स के लिए मेन है फ्रेंड्स, कभी वो लोग अपने प्रेम को दिखाते नहीं, बस अपना काम करके चले जाते हैं। तो दे नीड टू, उनका हार्ट एक्सपेंशन के लिए, स्पिरिचुअल मास्टरी के लिए, दे शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। ओके फ्रेंड्स, एंड बॉडी के लिए एक्सप्रेशन क्या है? एक्सरसाइज, योगा, जिम। जब तक हम खाना खाते हैं, फिजिकल बॉडी का भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जिस पल हम खाना छोड़ दें, फ्रूट्स छोड़ दें, हम पूरा श्वास पे हैं, मतलब हम आत्म स्थिति में आ गए, तो तब ये फिजिकल बॉडी की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाती है। खाना खा रही मतलब फिजिकल बॉडी का भी फिटनेस की मेंटेन करनी होती है फ्रेंड्स। यू नीड टू मेंटेन योर फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज से, उनका देखभाल करते हुए, जो भी स्पा है, जो भी अदर पर्सनल घर में ट्रीटमेंट्स है, हर एक ऑर्गन को अच्छी तरह से हम रिस्पेक्ट देना है। ओके, एंड सोल का क्या है? मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप हम अपनी सोल से जुड़कर हम सही आत्मा का हम एक्सप्रेशन कर पाते हैं। ओके, तो और क्या है? हम नेचर में जब हम रहते हैं, पूरे कंप्लीटली हम सबसे डिस्कनेक्ट होकर जब हम नेचर में जाके रहते हैं, तो तब भी हम अपना सोल का एक्सप्रेशन, खुद हम क्या है, दैट फीलिंग, दैट बियॉन्ड एक्सप्रेशन। मैक्सिमम यहाँ पर रिट्रीट को जाकर आए हैं, तो वहां पर अकेलेपन में, उस नेचर में, उस बारिश में, अपने आत्मा को विकसित होता हुआ, ब्लॉसम होता हुआ आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो यू शुड गिव सम टाइम टू एक्सप्रेस योर सोल ऑल्सो। ओके, जब इस तरह हम पूरा इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, हमारी सोल ब्लॉसम होगी, ऑटोमेटिकली हमारी स्पिरिचुअल मास्टरी अपने पास आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतना सब कुछ हमने जाना, यहाँ पर कोई और है क्या फ्रेंड्स? पूरा हमारी ही काम है, खुद पे काम करने का है। ओके, और कल इसका शेष भाग और सुनकर हमारी स्पिरिचुअल मास्टरी का हम कल से अपना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जोरदार तालियां आज के इस अद्भुत सेशन के लिए। क्वेश्चन